कैप्टन ही इंडिया गठबंधन को छोड़ के चला गया, तो ये हमारे लिए तो बहुत दुखद है। आखिर ऐसा क्या मोड़ आया जो नीतीश जैसा व्यक्ति, जो इंडिया गठबंधन का प्रमुख चेहरा था, वो हमें छोड़ के चला गया? मुझे नहीं लगता कि अब इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज बची है। इसके कई कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण जो मैं देख पा रहा हूँ, एक तो राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना, जो इंडिया गठबंधन को बनाने वाले लोग हैं और जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, ये उनकी असफलताओं का परिणाम है, ये उनके निकम्मेपन का परिणाम है। लेकिन नीतीश कुमार जी एक बहुत ही सुलझे हुए राजनेता हैं और बहुत वरिष्ठ हैं, और उनका इस तरह से इंडिया गठबंधन को छोड़ के जाना, क्योंकि इंडिया गठबंधन के एक प्रमुख चेहरे थे वो, या यूं कहिए उसके संस्थापक सदस्य जैसे होता है। अब कैप्टन ही इंडिया गठबंधन को छोड़ के चला गया, तो ये हमारे लिए तो बहुत दुखद है। लेकिन चिंतन इस बात का करना चाहिए कि ये नौबत क्यों आई। उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इंडिया गठबंधन में कोऑर्डिनेट कर रहे थे। आखिर ये कौन लोग हैं? क्या इन्हें पॉलिटिक्स की समझ नहीं है? क्या ये सहयोगी दलों का सम्मान करना नहीं जानते हैं? क्या ये उनसे ठीक कोऑर्डिनेशन नहीं करते हैं? क्या ये राहुल गांधी जी को और खड़गे जी को ठीक ब्रीफ नहीं कर पाते हैं? भाई, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने हमें दिखा दिया, ममता जी ने बंगाल में दिखा दिया, अखिलेश जी ने भिक्षा स्वरूप, जैसे भीख में देते हैं ना 11 सीट देने की बात, कांग्रेस पार्टी 11 सीटों पर लड़ेगी और समाजवादी 70 पे लड़ेगी। अब बिहार नीतीश कुमार जी ने पलटा ही मार दिया, पूरा तख्ता पलट कर दिया, पूरब से पश्चिम हो गए। तो मुझे लगता है कि ये इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए, या उसको जो कोऑर्डिनेट करने के लिए जो भी नेता काम कर रहे थे, मैं आदरणीय खड़गे जी से और राहुल जी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कि आखिर ऐसा क्या मोड़ आया जो नीतीश जैसा व्यक्ति, जो इंडिया गठबंधन का प्रमुख चेहरा था, वो हमें छोड़ के चला गया? पर अब सवाल कहाँ रहा भाई, यानी कि आपका अलायंस टूट गया, खत्म हो चुका है इंडिया अलायंस? देखिए, ये सब का जो हुआ है बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और मुझे नहीं लगता कि अब इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज बची है। और इसमें मैं, मुझे ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि इसके कहीं ना कहीं इसके कई कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण जो मैं देख पा रहा हूँ, एक तो राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना और राहुल गांधी जी की यात्रा को पंचकों में शुरू करना। हिंदू शास्त्रों में जब पंचक लग जाते हैं, जब 14 तारीख को उन्होंने यात्रा शुरू की तो पंचक लग चुके थे, उसमें इतनी बड़ी लंबी यात्रा का शुभारंभ नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कोई दैवीय प्रकोप है, और कोई है वही जो राम रचि राखा, को करी तरक पड़ा धूसा। आप ये कह रहे हैं कि या अशोक गहलोत हो, वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, उनके वजह से जो है आज नीतीश कुमार चले गए, और भी जो राजनीतिक दल इंडिया अलायंस में वो भी छोड़ करके करके चले जाएंगे? देखिए, ममता जी समझ लो गई, केजरीवाल जी बहुत समझदार और बड़े नेता हैं, उन्होंने बड़े तरीके से भगवंत मान जी से कहलवा दिया कि हम पंजाब में एक भी सीट नहीं देंगे, अखिलेश जी ने 11, तो बचा कहां इंडिया अलायंस? और मुझे लगता है कि अभी और भी कई बड़े विकेट हैं जो गिरेंगे। मैं तो किसी कन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन जो हमारे शास्त्रों में एक कहावत है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, और राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। दूरदर्शिता जिन नेताओं में नहीं है, उन्हें शायद नहीं दिख रहा है, ये मुझे तो दिख रहा है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि नीतीश जी पे नजर रखो, या तो उन्हें हम साथ ना लाते, या उनका हम पूरा सम्मान करते। तो जैसा बयान और जैसी घटना मुझे देखने को मिल रही है, मुझे लगता है कि जो इंडिया गठबंधन को बनाने वाले लोग हैं और जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, ये उनकी असफलताओं का परिणाम है,
ये उनके निकम्मेपन का परिणाम है। उत्तर प्रदेश से आते हैं, बहुत बारीक से देखते हैं, क्या बात बन पाएगी 11 सीटों पे? कांग्रेस को भिखारी थोड़ी है, याचक है क्या कांग्रेस पार्टी जो अखिलेश यादव जी के सामने कटोरा लेके 11 सीट पे चुनाव लड़ेगी? है ये तो ठीक है, समय समय का फेर है। अगर इंडिया अलायंस को के कोऑर्डिनेशन के रूप में प्रियंका जी को लगाया होता, प्रियंका गांधी जी को, अरविंद केजरीवाल जी को, तो मैं समझता हूँ ये नीतीश कुमार छोड़ के ना जाते। फ्रॉम ब्रेकिंग न्यूज, डिटेल्ड एनालिसिस, इन डेप्थ इंटरव्यूज एंड एक्सप्लेनर्स, फॉलो द टाइम्स ऑफ इंडिया, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियोस एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट।